गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमर जाधव है। आज हम डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द एस्केप फिलॉसफी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है वो। ओके, तो सैटेलाइट को कैसे घुमाते हैं, सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं, कौन से पैरामीटर के ऊपर लॉन्च करते हैं, ये सभी पैरामीटर्स हम आज डिस्कस करने वाले। ओके, तो ऑलरेडी हमने फोर्थ पार्ट कंप्लीट किए हैं, अभी ये फिफ्थ पार्ट है। ओके, तो ये फिफ्थ पार्ट, आपको फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो फोर्थ पार्ट देखिए, बाद में ये पार्ट आपको देखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम करेंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन का फिफ्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें है फर्स्ट एस्केप वेलोसिटी करके। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो, एस्केप वेलोसिटी मतलब अंडरस्टैंड करना है। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, द नाम ही इंडिकेट करता है एस्केप, किधर से एस्केप होना चाहिए। एक सैटेलाइट रहता है, समझो ये अर्थ है। ओके, सो अर्थ के ऊपर आप सैटेलाइट रखते हो, ऐसे। ओके, तो सैटेलाइट क्या होना चाहिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए। अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड रहती है, इसके अंदर कोई तो आ गया तो वो क्या करती है, अर्थ अपनी ओर खींचती है। ओके, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए आपको एक वेलोसिटी देना चाहिए, इस सैटेलाइट को एक वेलोसिटी देना चाहिए। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो मैं डिफाइन करूंगा एस्केप वेलोसिटी, मतलब इसको इरेज करता हूं। तो देखो, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बॉडी मतलब कौन सा भी रहने दो, एक बॉडी को आपने अगर अपवर्ड थ्रो किया विथ सम मिनिमम वेलोसिटी से अगर आपने एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर एक बॉडी को आपने अपवर्ड थ्रो कर दिया, दैट एस्केप्स द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड से वो अगर बाहर गई उस वेलोसिटी से, देन उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल, सैटेलाइट का एग्जांपल आप देख सकते हो। सैटेलाइट को अगर आप लॉन्च करना चाहते हो तब आपको उसको क्या देना चाहिए, एक सैटेलाइट कैरियर व्हीकल्स रहता है, उसको आप वेलोसिटी देते हो। ओके, तो वेलोसिटी देते वक्त कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो इधर दिए उन्होंने बॉडी करके, कौन सी भी बॉडी रहने दो, अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के ऊपर कौन सा तो ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, तो एक हम मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एस्केप वेलोसिटी। एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी रहती है, इसका एक्चुअल वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो यू कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पे वो बॉडी जाना चाहिए, तब वो क्या करेगी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगी, निकल के जाएगी। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से वो क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। ओके, तभी वो क्या करेगी, बाहर जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर जाने के लिए, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको ही हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसके एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर क्या एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी, समझो ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट है, समझो अर्थ के ऊपर सैटेलाइट है और ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको ऊपर निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी देना चाहिए प्लस पोटेंशियल एनर्जी देना चाहिए। तो हम यूटिलाइज करेंगे द टोटल एनर्जी गिवन टू ए सैटेलाइट
गिवन टू ए सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर टोटल एनर्जी कितना देना चाहिए, सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही होगा उसका टोटल एनर्जी, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m इंटू वी सी स्क्वायर और वी स्क्वायर होगी, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है माइनस जी एम एम अपॉन आर होगा, जी एम एम अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी का ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर करके, ओके, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये है 1/2 m v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है, तो माइनस रखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन आर है, जी एम एम अपॉन आर करके, ओके, तो आर हम लेंगे, इसमें आर कौन सा लेना है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर क्या होगा, कैपिटल आर होगा, तो हम कैपिटल आर लेंगे, ओके, तो ये आर है, ये भी कैपिटल आर है, स्मॉल लेटर आर कब होगा, कब आप पर्टिकुलर हाइट के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हो, तब क्या होगा, स्मॉल लेटर आर होगा, ओके, उसमें एच एड होगा, आर में फिर से प्लस एच एड होगा, तब क्या होगा, स्मॉल लेटर आर होगा, ओके, तो ये हो गई टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v² ये प्लस माइनस माइनस होगा, जी एम एम अपॉन आर होगा, ओके, तो ये जी एम एम क्या है, जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम तो कैपिटल एम तो मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल लेटर एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एम मतलब स्मॉल लेटर एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ है, ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और वी क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, एम मतलब वही मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ओके, तो ये इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, टोटल एनर्जी आपको मिल गई एट दिस पॉइंट के ऊपर, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, अगर ये सैटेलाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर गई, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर गई, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, थ्रोन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, r मतलब टोटल डिस्टेंस, इधर से इधर तक, ये टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर r बोलते हैं, और वो r अगर इनफाइनाइट है तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, ओके, क्यों पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो होगी, क्योंकि माइनस जी एम एम अपॉन आर, अगर आर इनफाइनाइट है, जी एम एम अपॉन इनफाइनाइट है, ये वेरी वेरी लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस है और ये कम है, तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, सो देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर टोटल एनर्जी क्या होगी, देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस टोटल एनर्जी होगी टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी जीरो होगी तो टोटल एनर्जी क्या होगी जीरो होगी टोटल एनर्जी भी क्या होगी जीरो होगी आई होप यू अंडरस्टूड टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है तो दोनों
जीरो है तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, तो इसको हम कंसिडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन। आपको मालूम है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को आपको क्रिएट भी नहीं कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। तो इधर कितनी एनर्जी है उतनी है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर भी एनर्जी होगी। ओके, तो इधर कितनी एनर्जी है उतनी ही इधर भी एनर्जी होगी। ओके, सो एनर्जी इज कंजर्व। तो मैं लिखूंगा इधर, सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा एनर्जी इज कंजर्व करके। ओके, तो एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व मतलब इनिशियल कितनी एनर्जी थी उतनी ही फाइनल एनर्जी होगी। सो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी फाइनल। ओके, सो इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे, देखो इसको हम कंसीडर करेंगे टोटल एनर्जी इनिशियल कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये है इनिशियल टोटल एनर्जी और इसको हम कंसीडर करेंगे टोटल एनर्जी फाइनल करके, टोटल एनर्जी फाइनल। सो टोटल एनर्जी फाइनल तो जीरो है, टोटल एनर्जी इनिशियल कितना है देखो, वन अपॉन टू हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर करके। ओके, तो वो सब्सटीट्यूट करेंगे हम, वन अपॉन टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर करके, एंड दिट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल कितना है, जीरो है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ, माइनस है ये इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। ओके, तो ये एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू इस साइड लेके आओ, टू इंटू जी एम अपॉन आर हो जाएगा। ओके, और वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर हो जाएगा। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर करके, जी एम अपॉन आर करके। देखो इधर जी भी कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है, जी को आप चेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो जी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। सेकेंड आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ। सो ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मास भी चेंज नहीं कर सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, एम दैट इज मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट है। ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वी क्या रहेगा, एस्केप वेलोसिटी कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, और उसका वैल्यू कितना रहेगा, ऑलरेडी मैंने बताया हूं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितना रहेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ग्रेविटेशनल सैटेलाइट करके, सॉरी अर्थ सैटेलाइट्स करके। ओके, तो देखो अर्थ सैटेलाइट्स, अर्थ सैटेलाइट्स मतलब क्या है, अगर एक अर्थ है, अर्थ के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है कंटिन्यूअसली, अर्थ के अराउंड अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ओके, दैट इज नोन एज द अर्थ सैटेलाइट्स, अर्थ सैटेलाइट्स बोलते हैं हम। अर्थ सैटेलाइट्स मतलब एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है उसको ही हम क्या बोलेंगे, अर्थ सैटेलाइट्स बोलेंगे। सो एक्चुअली अर्थ के सैटेलाइट्स दो टाइप्स के, अर्थ के सैटेलाइट्स हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट करके, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको इरेज करता हूं मैं। सो अर्थ सैटेलाइट में दो टाइप्स है, वन इज द नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, एंड सेकेंड वन इज द, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
सो एक्चुअली सैटेलाइट मतलब क्या है, अर्थ सैटेलाइट्स मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड घूमता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं. ओके तो नेचुरल सैटेलाइट में कौन सा आएगा, मून आएगा. नेचुरल सैटेलाइट में मून आएगा. ओके मून एक ऐसा है वो अर्थ के अराउंड कंटिन्यूअसली घूमते रहता है. ओके तो अर्थ इधर है समझो, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून कंटिन्यूअसली घूमता है, ये मून है समझो, ये मून, मून अराउंड द अर्थ घूमता है, इसीलिए इसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं. नेचुरल क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी नेचर से बना हुआ है. ओके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब इनसैट करके, इनसैट इनसैट करके एक सैटेलाइट है, आर्यभट्ट करके सैटेलाइट है, मेनी सैटेलाइट्स हैं, वो सभी सैटेलाइट्स को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट करके बोलेंगे. ओके तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको अंडरस्टैंड होने के लिए. ओके सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो टाइप्स है, वन इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और उसको ही और एक नाम देते हो, दैट इज द स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी सैटेलाइट. ओके स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी मतलब एक्चुअली वो कांस्टेंट लगता है आपको, स्टेशनरी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इज आल्सो नोन एज द स्टेशनरी सैटेलाइट करके. ओके सो स्टेशनरी नहीं, इसको बोलते हैं हम जियो स्टेशनरी. ओके जियो मतलब अर्थ, अर्थ को स्टेशनरी लगता है उसको, स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में. ओके तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनको जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, समझो ये अर्थ है, समझो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, इधर सैटेलाइट है, ये अर्थ कैसी घूमती है वैसे ही वो सैटेलाइट भी घूमता है. मतलब अर्थ कितना रोटेशन करता है वन डे में, वन डे में कितना रोटेशन करता है उतना ही सैटेलाइट भी रोटेशन करता है. मतलब इसका टाइम पीरियड रहता है, इसका टाइम पीरियड है वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, 24 आवर्स. ओके 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है वो, अर्थ का रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना लेता है वो, 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट करता है. ओके सो इसीलिए आप अगर ये अर्थ है और इधर सैटेलाइट है, इधर सैटेलाइट है, ये भी ऐसे ही रोटेट करेगा और ये भी ऐसे ही रोटेट करेगा, तो आपको क्या लगेगा वो रेस्ट में. प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये कितनी, ये अर्थ है, अर्थ कितनी रोटेट करेगी 24 आवर्स में, एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, और ये भी सैटेलाइट भी क्या करेगा, वन रोटेशन कंप्लीट करेगा कितने आवर्स में, 24 आवर्स में. तो आपको लगता है अगर आप इधर हो, देखो अंडरस्टैंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप इधर हो, इंडिया इधर है और स्टेशनरी दैट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इधर है, तो इंडिया भी ऐसा घूमेगा और ये भी ऐसे ही घूमेगा, तो आपको क्या लगेगा वो स्टेशनरी करके लगेगा, मतलब रेस्ट करके लगेगा, उधर ही है ऐसा लगेगा, लेकिन ये भी घूमता रहता है, ये भी घूमते रहता है. ओके दोनों घूमते रहते हैं, तो इंडिया इधर है तो इंडिया का सैटेलाइट इधर होगा, तो ये भी घूमेगा और ये भी घूमेगा, अर्थ भी घूम रही है और ये भी घूम रहा है. ओके तो इसीलिए आपको उस सैटेलाइट कैसा लगेगा, स्टेशनरी करके लगेगा, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में लगेगा. ओके क्यों, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स है, अर्थ भी एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है और ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट द वन रोटेशन. ओके आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये एक्चुअली किस लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए. सो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, टेलीविजन के लिए यूज करते हैं, टेलीविजन सिग्नल के लिए, टेलीविजन सिग्नल के लिए, टेलीविजन सिग्नल के लिए यूज करते हैं. ओके तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, समझो आप ये इंडिया है, आई एम टेकिंग एग्जांपल, ये इंडिया है और ये अमेरिका है, ये अमेरिका है. ओके तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इधर है, समझो इधर है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू चैट करना है इंडिया से अमेरिका, अमेरिका को चैटिंग करना है, और फेसबुक में कुछ तो एनालाइज करना है, कुछ तो सेंड करना है. तो आप पहले किसको सेंड करोगे,
उस सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सेंड करोगे, और वो सैटेलाइट किधर सेंड करेगा, उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री को वो सेंड करेगा। तो इस सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए वो यूज होता है। ओके, तो सभी व्हाट्सएप वो वर्क करता है उसके ऊपर, देन इंटरनेट वर्क करता है इसके ऊपर, वो सभी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर वर्क करते हैं। ओके, टेलीविजन सिग्नल, टेलीविजन सिग्नल भी सेंड करने के लिए हम यही यूज करते हैं, वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट करके। ओके, तो ये हो गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट। और एक आएगा सेकेंड वन, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड आएगा सेकेंड पार्ट, यही सेकेंड पार्ट कौन सा है, पोलार सैटेलाइट करके, पोलार सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट में और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, सॉरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो टाइप्स है, वन इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड सेकेंड वन इज द पोलार सैटेलाइट। सो पोलार सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना रहता है, टाइम पीरियड, ये एक्चुअली टाइम पीरियड मतलब ये 84 मिनट में ये क्या करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, 84 आई थिंक इट इज, सॉरी 85 मिनट्स में, 85 मिनट्स में ये क्या करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब कितने स्पीड में ये घूमता है। देखो एक अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना लेता है, ओनली 85 मिनट्स लेता है, 85 मिनट्स, इट्स नॉट अ जोक। ओके, तो 85 मिनट्स में वो क्या करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है। ओके, और इसका अप्रोक्सीमेटली 16 टाइम्स वो क्या करता है, एवरी डे में 16 टाइम्स वो क्या करता है, घूमता है, एक 16 टाइम्स वो 16 राउंड्स मारता है, एक डे में 16 राउंड्स वो मारता है, अर्थ का राउंड मारता है। और ये पोलार सैटेलाइट यूज किसके लिए करते हैं, वन इज द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन, सो वेदर कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए और वेदर कंडीशन एनालाइज करने के लिए हम ये पोलार सैटेलाइट यूज करते हैं। ओके, तो वेदर कंडीशन अंडरस्टैंड करने के लिए ये सभी हम सैटेलाइट यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ये था पोलार सैटेलाइट। और पोलार सैटेलाइट का हाइट रहता है 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, मतलब ये ऊपर रहता है कितने किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के बीच में ये क्या रहता है, पोलार सैटेलाइट रहता है। ये किधर से डिस्टेंस है, अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस, समझो ये अर्थ इधर है, ये अर्थ है, अर्थ के डिस्टेंस पे इधर सैटेलाइट है, ये डिस्टेंस कितना रहता है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक रहता है। ओके, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक उसका डिस्टेंस रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड द दीज टू कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, सम टाइम दे विल आस्क फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ओके, यही था कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और पोलार सैटेलाइट्स हमने डिस्कस किया अभी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड करके। सो अब हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड करके, क्रिटिकल स्पीड, और इसको और एक नाम देते हैं वो है ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एक नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी करके, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, तो ये सभी टर्म्स एक ही है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी बोल सकते हो, क्रिटिकल स्पीड बोल सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आप बोल सकते हो। तो क्या है, देखो एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, तो समझो एक अर्थ है, ये अर्थ है, ओके, सो और इधर सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट के ऊपर अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है, लेकिन ये अर्थ के टूवर्ड्स नहीं आता, अर्थ के टूवर्ड्स नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि साइंटिस्ट लोग वरना वो सैटेलाइट के ऊपर एक वेलोसिटी देते हैं, उसको ही हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, इसीलिए वो सैटेलाइट क्या नहीं करता, अर्थ के टूवर्ड्स नहीं आता। ओके, वो घूमता है ऐसे। ओके, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या करती है, अर्थ उस सैटेलाइट को कांस्टेंट रखती है, घुमाने के लिए हेल्प करती है। ओके, अराउंड द अर्थ घूमने के लिए हेल्प करती है। ओके, उसको ही हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अंडरस्टैंड करना है क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब द एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हम क्या दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, एक्चुअली
ये अर्थ है समझो, ये सैटेलाइट है, तो हम ऐसे देते हैं हॉरिजेंटली वेलोसिटी देते जाते हैं उस सैटेलाइट को, हॉरिजेंटली वेलोसिटी देते हैं, ओके। तो उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन दैट मस्ट बी गिवन टू ए सैटेलाइट एट सर्टन हाइट। सर्टन हाइट मतलब इधर से इधर तक डिस्टेंस को हम सर्टन हाइट बोलते हैं। ये सैटेलाइट सर्टन हाइट के ऊपर रहते हैं और उस हाइट के ऊपर हम क्या देते हैं, सर्टन हॉरिजेंटल वेलोसिटी देते हैं, सो दैट द इट कैन रिवॉल्व। इट कैन रिवॉल्व मतलब इस वेलोसिटी के वजह से वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसको ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये एक मिनिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। मिनिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी हम सैटेलाइट को देते हैं ताकि वो सैटेलाइट क्या करे, अर्थ के राउंड घूमने के लिए हेल्प हो जाए। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल स्पीड करके। ओके, तो इसका ये करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन पूछे तो एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और एच हाइट के ऊपर अगर ये सैटेलाइट घूम रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपेडल फोर्स लगेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट कौन से तो ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपेडल फोर्स लगता है, सेंट्रीपेडल फोर्स लगता है, ओके, सेंट्रीपेडल फोर्स लगता है। और वो सेंट्रीपेडल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इधर सेंट्रीपेडल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, इसका ग्रेविटेशन, दैट इज अर्थ उसके पास खींच रही है, और उसको ही हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेडल फोर्स बोलेंगे। ओके, तो आप कह सकते हो द सेंट्रीपेडल फोर्स, द सेंट्रीपेडल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ प्रोवाइड कर रही है उस सैटेलाइट को, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपेडल फोर्स। आपको अगर ऑब्जेक्ट को घुमाना है, एक पर्टिकुलर सर्कल में घुमाना है, तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, सेंट्रीपेडल फोर्स देना पड़ेगा। इस कंडीशन में सेंट्रीपेडल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है, ओके। तो सेंट्रीपेडल फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन में थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, एमवी स्क्वायर अपॉन आर करके। लेकिन एमवी स्क्वायर इधर कौन सा लेंगे, हम क्रिटिकल स्पीड देंगे और क्रिटिकल वेलोसिटी देंगे, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज एफ सॉरी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक, दैट इज रेडियस प्लस हाइट दोनों मिला के, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल लेटर एच दोनों मिला के क्या मिलता है आपको, स्मॉल लेटर आर मिलता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ओके। तो एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो इसमें एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बचेगा इधर, और इधर एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, आर बचेगा, ओके। तो वी सी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर बचेगा। आर मतलब क्या है, बट आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है, आर प्लस एच है। तो आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड एच मतलब हाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सो आर स्मॉल लेटर आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ओके। तो दैट इज द स्मॉल लेटर आर। सो देयर फोर वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, देयर फोर वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच होगा, आर प्लस एच होगा। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसको ही बोलते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी करके, ओके। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहती है, जी एच रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हमने क्या कंसिडर करते हैं, जी एच कंसिडर करते हैं। तो जी एच का वैल्यू क्या होगा, ऑलरेडी हमने ये डेरिवेशन किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड, ओके, अल्टीट्यूड उसके ऊपर, हाइट के ऊपर, पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होगा, आर प्लस
एच होगा, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ओके। तो आर प्लस एच होगा, सॉरी आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, तो ये जी एच इज इक्वल टू, तो ये टोटल टर्म जी एम इज इक्वल टू, जी एम इज इक्वल टू क्या होगा, जी एच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा ओके, जी एच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। तो जी एम इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो देयर फोर वी सी का क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम, मतलब जी एच इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर, जी एच इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, एक आर प्लस एच इसमें से एक आर प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, तो वी सी इज इक्वल टू कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ जी एच इंटू आर प्लस एच बचेगा ओके। तो ये था वी सी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी एच, इन टर्म्स ऑफ जी एच दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, दैट इज द जी एच हम कंसिडर करना है ओके। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड का। सो सम स्पेशल केसेस है, वो स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे ओके। तो देखेंगे हम स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट स्पेशल केस एक ही है, स्पेशल केस में एक ही है, क्या कहते हैं, when the satellite is close to earth, so अगर एक सेटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ है तो h इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, समझो ये अर्थ है ओके okay? और इधर सेटेलाइट है वेरी क्लोज टू अर्थ, मतलब ये हाइट क्या होगी, जीरो हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर करते हैं जीरो ओके okay? तो ये कंडीशन आ गई, वेन सेटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ ये कंडीशन आ गई तो आप कह सकते हो h इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वी सी दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच था, आर प्लस एच था, तो ये आर प्लस एच अगर एच जीरो हो जाएगा, देयर फोर वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर हो जाएगा, जीएम अपॉन आर हो जाएगा, ये वी सी का मिल गया। वैसे ही आपको और एक फॉर्मूला मालूम था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज द जी का रिलेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नथिंग बट जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू क्या था, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, आर मतलब कैपिटल आर ओके। इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसिडर करते थे जी ओके okay, और जी का वैल्यू था जीएम अपॉन आर स्क्वायर करके, तो ये जीएम का वैल्यू क्या होगा, देयर फोर जीएम इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर इस साइड आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो जी इंटू आर स्क्वायर होगा, तो जीएम का वैल्यू क्या हो गया, जी इंटू आर स्क्वायर, ये वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे, तो द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिकम्स जीएम का वैल्यू जी आर स्क्वायर इधर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय आर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वीसी का फॉर्मूला आएगा वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर आएगा ओके। तो ये भी फॉर्मूला हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला किधर है, ये सभी फॉर्मूले किधर लग रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर अगर सैटेलाइट है तो ये वीसी का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये लगा सकते हो जीएम का फॉर्मूला और ये वीसी का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर हाइट के ऊपर है सैटेलाइट, अगर हाइट के ऊपर है तो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ओके, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट के ऊपर पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है तब ये हम फॉर्मूला लगाना है ओके। तो ये था क्रिटिकल स्पीड का कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड क्रिटिकल स्पीड का कॉन्सेप्ट ओके। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट अर्थ के राउंड घूमता है ये तो मालूम है आपको, तो लेकिन वो कितने कॉन्सेप्ट में घूमता है, कौन से सर्कल में घूमता है, कैसे घूमता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले ओके। तो एक डायग्राम लेंगे, ये है डायग्राम ओके, सॉरी
सो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके तो इधर देखो ये डायग्राम है। सो इस डायग्राम में आपको तीन पैरामीटर्स आपको रिमेंबर करने हैं और तीन वेलोसिटीज को आपको मालूम रहने चाहिए। फर्स्ट वेलोसिटी है दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी किस लिए यूज होती है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अभी। क्रिटिकल वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए यूज होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये रिवॉल्व करने के लिए यूज होती है। एस्केप वेलोसिटी, सेकेंड वन इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है, बाहर लेके जाना है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है तब आपको उसको ही हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, और थर्ड आएगा और एक वेलोसिटी दैट इज द इधर दिए वीएच। वीएच इज नथिंग बट टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी हम सैटेलाइट को देते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करो, एक्चुअल हम सैटेलाइट को देते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब एक्चुअल वेलोसिटी हम देते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी हम उस सैटेलाइट को देते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट केसेस। केस वन, केस वन है, केस वन में क्या होता, वीएच इज लेस देन वीसी। वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किस लिए यूज होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट को सर्कुलर शेप में घुमाने के लिए यूज होती है, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में घुमाने के लिए यूज होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। समझो क्रिटिकल वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 10 किलोमीटर पर सेकेंड है और आप एक्चुअली साइंटिस्ट ने दिए हो कितने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए हो 9 किलोमीटर पर सेकेंड दे रहे हो, 9 किलोमीटर पर सेकेंड दे रहे हो, तो वो सैटेलाइट क्या करेगा, देखो इस सैटेलाइट इस फॉर्म में वो घूमेगा, ये सैटेलाइट घूमेगा इस फॉर्म में, उसको ही हम बोलते हैं एलिप्स, एलिप्स के फॉर्म में वो घूमेगा। ओके, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कब होगी, कब वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगा। ओके, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करने के लिए ये क्रिटिकल वेलोसिटी हेल्प करती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वो क्या करेगा, सैटेलाइट कैसे घूमेगा, एलिप्स के फॉर्म में घूमेगा, एलिप्स के फॉर्म में घूमेगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एलिप्स विद पॉइंट पी एज अपोजी बोलेंगे। अपोजी मतलब फार्देस्ट पॉइंट। ओके, फार्देस्ट पॉइंट, फार्देस्ट पॉइंट From Earth, ओके, सो ये अर्थ है, इधर ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है और ये सैटेलाइट किधर जा रहा है, अर्थ से थोड़ा बाहर जा रहा है, अर्थ से थोड़ा दूर जा रहा है, थोड़ा दूर जा रहा है। ओके, सो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एलिप्स विथ, एलिप्स के फॉर्म में रोटेट कर रहा है सैटेलाइट, एलिप्स के फॉर्म में रोटेट कर रहा है और उस पॉइंट को हम बोलेंगे अपोजी करके बोलेंगे। ओके, तो ये फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज अपोजी, तो उसको ही हम अपोजी बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करना है। सेकेंड केस आएगा, केस सेकेंड, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी वो चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहते हैं। पर्टिकुलर ऑर्बिट को क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी तो 9.8 है, सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो तो कांस्टेंट है। ओके, वो तो कांस्टेंट है और क्रिटिकल वेलोसिटी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, समझो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो इस ऑर्बिट के ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी सेम रहेगी, इधर सेम रहेगी, और अगर ऑर्बिट आप चेंज किए, ऑर्बिट अगर चेंज किए तो क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, हाइट के ऊपर, दैट इज कैपिटल स्मॉल लेटर एच, बिकॉज हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच था। तो इसमें जी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल एम कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, ओनली एच वेरी कर रहा है। तो एच आप कितना
वेरी करते हो उतना क्रिटिकल वेलोसिटी वेरी होगी। ओके तो ये आपको रिमेंबर करना है। अभी आप क्या वेरी कर रहे हैं, ओनली हॉरिजेंटल वेलोसिटी वेरी कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सेकेंड केस में अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो आप अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड उसको वेलोसिटी दे दिया तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। देखो ये है पाथ, ये है पाथ, देखो देखो ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है सैटेलाइट, क्या कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, दैट इज वी एच इज इक्वल टू VCA, वी एच इज इक्वल टू VC और सर्कुलर फॉर्म में वो रोटेट करेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है व्हेन द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी व्हाट इज द रोटेशन और व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट, तो सैटेलाइट किसके फॉर्म में रोटेट करेगा, वो सर्कुलर फॉर्म में वो रोटेट करेगा। ओके तो ये है सेकेंड पॉइंट। ओके नेक्स्ट केस थर्ड अगर क्रिटिकल ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी इन बिटवीन रही वीसी और एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या है वो बाहर लेके जाना है सैटेलाइट को, क्या करना है बाहर लेके जाना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है, तब हम यूटिलाइज करते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके और हॉरिजेंटल वेलोसिटी सॉरी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी और वो एस्केप वेलोसिटी के बीच में, समझो एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा ही रहेगा, ये 10 किलोमीटर है, एस्केप वेलोसिटी 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, अगर इन दोनों के बीच में समझो आपने दिए हो 10.5 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर आपने दिए हो क्रिटिकल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, इन दोनों के बीच में दिए हो, मतलब सैटेलाइट को बाहर भी जाना नहीं चाहते हो आप, बाहर भी लेके नहीं जाना चाहते हो और सर्कुलर फॉर्म में रोटेट भी नहीं करना चाहते हो। सर्कुलर फॉर्म में कब रोटेट होगा वो 10 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी दोगे तब वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा दे दें तो आप ये फॉर्म मिलेगा आपको, ये है दैट इज द एलिप्स विथ पॉइंट पी एज पेरिजी, पेरिजी करके एक पॉइंट मिलेगा उसको, द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। ओके तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पेरिजी बोलेंगे, वो आपको टर्म पूछेंगे, पूछ सकते हैं। ओके पेरिजी बोल सकते हैं, तो VH ये इन बिटवीन VE और VC के बीच में है, तब हम ये कौन सा आएगा, ये टर्म आएगा, दैट इज नथिंग बट ये एलिप्स आएगा, एलिप्स के फॉर्म में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके नेक्स्ट आएगा केस फोर, तो केस फोर में अगर VH इज इक्वल टू VE, VE मतलब एस्केप वेलोसिटी तो आपको मालूम है और आप भी एस्केप वेलोसिटी के फॉर्म में दिए हो, तो वो क्या करेगा, ये निकल के जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा, सैटेलाइट रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन ये कंडीशन कब यूटिलाइज करते हैं हम, ये कंडीशन यूटिलाइज करते हैं कब सैटेलाइट स्क्रैप होता है, सैटेलाइट अगर स्क्रैप हो गया, उसका वर्किंग आवर वर्किंग सभी टाइम खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको एस्केप वेलोसिटी से इक्वल वेलोसिटी उसको देते हैं। ओके दैट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी देते हैं, तो इसीलिए वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है, मतलब स्पेस में जाता है, वो रिटर्न नहीं आता, देखो इधर रिटर्न कंडीशन नहीं दी है। ओके तो रिटर्न नहीं आता, तो उस इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, व्हेन VH इज इक्वल टू VE द पैराबोला कर्व वी विल गेट। ओके तो नेक्स्ट आएगा लास्ट केस, दैट इज लास्ट केस, केस फाइव, व्हेन VH इज ग्रेटर देन VE, VH इज ग्रेटर देन VE, अगर VH ये VE से ग्रेटर है, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर है, VH मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर है तब आपको मिलेगा हाइपरबोला, हाइपरबोला। ओके तो ये भी वेरी फार फार अवे से अर्थ के पास रिटर्न नहीं आएगा, वो किधर जाएगा, एस्केप हो जाएगा, एस्केप मतलब वो रिटर्न अर्थ को नहीं आएगा। ओके रिटर्न अर्थ को नहीं आएगा,
और कौन सा ये मिलेगा, कर्व मिलेगा आपको, हाइपरबोला मिलेगा। ये हाइपरबोला और पैराबोला आप स्टडी करोगे मैथ्स में, ओके। और इधर मिलेगा आपको पैराबोला, पैराबोला कर्व, ओके। तो ये थे सम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट करके। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, आई विल रिप्लाई ऑन दैट, ओके। लेकिन आपको अच्छे तरह से रीड करना है, आपके फ्रेंड्स को भी बताना है इस वीडियो के बारे में, बताना है क्योंकि इससे आपके वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ओके। तो कमेंट्स करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ओके। थैंक यू।